प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से पंक्तियों को सुनेगा साथ संगत जी। ये शब्द ये सिमरन दास ने इसलिए लिया है कि बड़ा मुश्किल समय चल रहा है, COVID-19 की लहर चालू है और इस वक्त जो हाल है इतना बुरा हाल पहले भी नहीं हुआ। हम कहां पर गलत हैं इसे समझने की कोशिश करें, इस वाणी को आधार लेकर समझने की कोशिश करें। मेरा वैद गुरु गोविंदा, कि वो कर्ता पुरख, वो निरंकार, वो एक ओंकार, वो गुरु नानक मेरा वैद है, मेरा डॉक्टर है। पर यहां पर समझने वाली बात यह है कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई खाने से ठीक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दवाई खाने के बाद रोग ठीक होता है, बिना दवाई खाए नहीं, केवल डॉक्टर के पास जाने से नहीं ठीक हो जाता कोई। हम यही गलती कर रहे हैं, हम गुरु नानक को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, खाली मानने से बात नहीं बनेगी। हर हर नाम औखद मुख देव है, ये दवाई दे रहे गुरु नानक क्या? प्रभु का नाम जो जपेगा रोग उसके दूर होंगे, रोगों से वो बचेगा जो दवाई खाएगा। केवल डॉक्टर के पास जाने से बात नहीं बनेगी, उसकी दी हुई दवाई खाने से बात बनेगी। जो लोग अमृतवेला छोड़कर बैठ जाते हैं, जो लोग दास कह के थक गया कि सुबह भी अमृतवेले सुखमणि साहब जी के पाठ होते हैं, शाम को सुखमणि साहब जी के पाठ होते हैं, मत छोड़ो, पर ठीक हो गया सब छोड़कर बैठ गए। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, पकड़ लो इस दवाई को। हर हर नाम औखद मुख देव है, जो इस नाम रूपी औखद को खाएगा ये रोग सर्दी बुखार की तरह होकर चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां अमृत वेला है, जहां ये नाम की ताकत है, जहां पर गुरु नानक की दी हुई ये दवाई है, हर हर नाम जो जपेगा, जो ये दवाई खाएगा, रोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दास ने 2-3 दिन पहले भी क्लिप बनाकर कहा था, जो दाने किल्ली से जुड़े रह जाएंगे, जो नाम से जुड़ जाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी सब पिस जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, मेरे मन में टेक है, आसर है तो केवल एक, उस परमेश्वर का। पर केवल बातों से नहीं, आगे क्या कहा है, जिस सिमरत सुख होए, जिसका सिमरन करने से तू सुखी होगा, तेरे तन के रोग, तेरे मन के रोग दूर हो जाएंगे जिसका सिमरन करने से, केवल कहने से नहीं, जपने से, अमृत वेले उठने से, नाम जपने से, जो उसे सिमरेगा। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे जो सिमरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन बनाइए। ये जो सुखमणि साहब जी के पाठों के दास ने अनाउंसमेंट की है, दास का मन है कि केवल एक शहर में एक ना हो, जैसे दिल्ली में कई स्थानों पर होने जा रहा है, जैसे जलंधर में 4-5 स्थानों पर होने जा रहा है, लुधियाना में कई स्थानों पर होने जा रहा है, दास उल्लासनगर में रहता है, 5 स्थान यहाँ पर फाइनल हो गए। मेरा मन है एक एक जगह पर, एक एक बिल्डिंग में एक एक पाठ रखा जाए, एक एक सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जहाँ पे 100-100 लोग रहते हैं, क्या 24 लोग मिलकर एक पाठ नहीं कर सकते? केवल बातें करने से, केवल गुरुद्वारे में आकर माथा टेकने से नहीं कुछ हो जाएगा, नाम जपने से होगा। जो गुरु कह रहा है उसे मानने से बीमारी ठीक होगी, ये रोग दूर रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हाथ जोड़कर बेनती है दास की, गुरु नानक का हुक्म है, दास की बेनती है, ये पाठ रख लो श्री सुखमणि साहिब जी के। कोई आलस मत करो, कोई बहाने मत बनाओ, शादी के वक्त बहाने नहीं सोचते, शादियां कर रहे हैं लोग आज भी, पाठ करते वक्त कहते हैं कि कहां से लोग इकट्ठा करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कर लो ये पाठ, गुरु नानक मेहर करे।